सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली भाई, इस वीडियो में मैं खेल रही हूँ मेटा अग्रॉस के साथ। और अगर तुमने अभी तक मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें भाई एओस जैम्स के बारे में बताया और साथ ही साथ एक नया इवेंट आने वाला है उसके बारे में बताया, तो जाके ज़रूर देख लेना। और चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मुझे मेटा अग्रॉस कुछ खास लगा नहीं, मतलब कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका लाइक कुछ ज़्यादा डैमेज भी नहीं था। और दूसरी बात, ये ऑलराउंडर पोकेमॉन है। ज़्यादा लोग कहते थे कि इसे डिफेंडर होना चाहिए था, मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर ये डिफेंडर होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और इसमें इससे खेलने में ना ज़्यादा कुछ मज़ा भी नहीं आता। इसका जो पहला मूव सेट था वो भी लाइक बेकार सा था, मैंने चला के देखा, उसका कुछ खास डैमेज नहीं था। मतलब इसका जो मूव सेट वन था वो तो बिल्कुल वेस्टेड था, कुछ था नहीं, जो मैग्नेट राइज था और वो सब। अब भाई मतलब मेटाग्रॉस आई थिंक पोकेमॉन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा पोकेमॉन था, बट यहाँ पोकेमॉन यूनाइट में पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम कर दी। मतलब इसकी HP भी बहुत कम है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि ज़्यादा अगर लोग अगर इससे डैमेज निकालना है तुम्हें 1 लाख से ज़्यादा, तो तुम्हें सपोर्टर तो चाहिए ही चाहिए। और इस वाले में तो मैंने वैसे बिल्ड जो लगा रखा है ये भी बता ही देती हूँ, एक है अटैक वेट, एक है एओस कुकी और फोकस बैंड। बट अगर तुम इसका एक और बिल्ड है मैं पे तो वो भी दिखा देती हूँ, दोनों बिल्ड स्क्रीन पर दिख ही रहेंगे। तो ये दोनों बिल्ड हैं, इनमें से जून से यूज़ करना है कर लो। बट इसकी HP भी बहुत कम है, इसका डैमेज भी कुछ खास नहीं था, कम ही था वो भी। और मुझे तो ये कुछ खास नहीं लगा ऑलराउंडर में। मतलब अगर सामने इसके सामने कोई भी ऑलराउंडर होगा ना, वो तो आराम से इसे मार देंगे। मतलब बाकी ऑलराउंडर कुछ काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है इससे। मतलब तुम कोई सा भी ले लो, जैसे टीटा ले लो, उर्शीफू ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो। इसको भाई मिमिक्यू ही भाई इतना ज़्यादा मार रहा था, एंड इसे तो आधे से ज़्यादा स्पीडस्टर भी उड़ा कर चले जाएंगे। मतलब भाई इसकी खास HP तो है नहीं, पहली बात ना डैमेज इतना दे रहा है। मैंने इसका दूसरा मूव ट्राई किया था, मतलब जो मूव नंबर वन था वो ट्राई किया, उससे डैमेज दिया, भाई हल्का सा डैमेज देता है। एंड उस मूव का कूलडाउन भाई 6 से 7 सेकंड है, मतलब हल्के से डैमेज के लिए 6 से 7 सेकंड कूलडाउन। जो वो घूमने वाला था ना, वो भाई मुझे लगा कि वो ब्लास्टोइस की तरह ना उसमें घूमेगा मेटाग्रॉस, बट वो एक्चुअली बस एक हाथ मारता है, कुछ नहीं करता और, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं था। बाकी ये शायद पोकेमॉन यूनाइट में बफ होके भी आए, मतलब मेन गेम में शायद ये बफ होके आए, क्योंकि अभी इसका डैमेज कुछ खास नहीं है। मतलब कम ही डैमेज निकल रहा है, ज़्यादा डैमेज निकल नहीं रहा है, 1 लाख पहुँचाने में ही बहुत टाइम ले रहा है इसलिए भी। तो शायद ये वाला पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही बफ होके आया, ब्रोकन भी कर सकते हैं पोकेमॉन वाले। और गैराडोस भी आएगा भाई पोकेमॉन यूनाइट में। गैराडोस का तो अभी 15 दिसंबर को आएगा पब्लिक टेस्ट सर्वर में, तो मैं वो भी खेलूँगी। बस शुक्र मनाना कि गैराडोस को कुछ ना किया हो इन लोगों ने। मतलब मेटाग्रॉस मुझे लगा कि अच्छा पोकेमॉन होगा, मतलब बहुत अच्छा चल रहा होगा, बट या कुछ ज़्यादा खास नहीं था। या हमने वैसे टॉप ऑब्जेक्टिव ले लिया था और हम बैठे हुए भाई इसको पेल रहे थे दूसरे मेटाग्रॉस को, और यहाँ उसको पेलने के बाद भी हम फटाफट भाई ब्लेजिकिन को मारने आ जाते हैं। ब्लेजिकिन भाई लगा पड़ा है मारने में, मेरी HP थोड़ी कम थी तो मैं ज़्यादा फाइट नहीं रही थी कभी पेल दे, क्योंकि ये बहुत जल्दी मर रहा था भाई। और यहीं भाई हम ब्लेजिकिन को पेल देते हैं, जल्दी से ऑब्जेक्टिव ऊपर का टच भी हो जाता है और फटाफट भाई हम गोल मार देते हैं। और एक और चीज़ है, मेटाग्रॉस को जंगल देना ज़रूरी पड़ रहा था। मतलब कभी कभी तो लाइक इवॉल्व होने में टाइम ले रहा है थोड़ा ये मेटाग्रॉस, तो शायद कुछ लोग जंगल भी दे रहे हैं। मैंने तो जंगल लिया नहीं था इस वाले मैच में, मैं बेसिकली अटैक वेट लगा था तो स्टैक करने में ज़्यादा कर रही थी, 6x6 देख ही सकते हो, कुकी और अटैक वेट हो रखे हैं मेरे। अब नीचे ऑब्जेक्टिव लेने जा ही रहे हैं और पूरी की पूरी पलटन भाई नीचे बैठी हुई है। और यहाँ भाई हमारा जो मिमिक्यू था उसको तो मैं बचा नहीं पाती, क्योंकि उर्शीफू चिपका पड़ा है भाई मेटाग्रॉस के साथ, छोड़ ही नहीं रहा है भाई। और यहाँ भाई हम सब डैमेज दे ही देते हैं, बट मिमिक्यू भाई हमारा चला जाता है और यहाँ बाकी टीममेट्स भी फिनिश हो जाते हैं। फिर मैं फिर से बॉटम पे आती हूँ इनका गोल तोड़ने के लिए, क्योंकि हमने टॉप बेस तो तोड़ दिया था और ऊपर सेकेंड बेस भी ऑलमोस्ट डैमेज कर दिया था। यहाँ भाई मेटाग्रॉस को मारने के बाद भाई मैं ट्राई करती हूँ कि जो क्रेमोनेंट है उसे फिनिश कर सकूँ, बट भाई ये बार बार जो कार चौम था भाई उसे बचा रहा था क्रेमोनेंट को। मैंने भाई सोचा कि क्रेमोनेंट का किल ले जाऊँ मरने से पहले, बट भाई नहीं ले पाती। और यहाँ भाई कार चौम वजह से भाई गोल कर रहे, इसको तो भाई पेलना पड़ेगा भाई, कहाँ जा रहे हैं, मेरे को पिछले में मार के गया यार, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। हम दोनों पड़े हुए हैं इसके पीछे, छोड़ ही नहीं रहे। जब तक हम दोनों इसके पीछे पड़े हुए हैं तुम लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव था भाई वो जैशन ने ले लिया मजे से, ये तो अच्छी बात है, ऊपर का ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाता है। और यहाँ भाई इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, साले को मर के जाएंगे, किधर को जा रहे हैं। और इसका भाई आराम से किल मैंने ले लिया था। और यहाँ भाई जो बॉटम ऑब्जेक्टिव था, सॉरी बॉटम बेस, वो टूट जाता है। और भाई तुम बताओ मेरे को तो भाई ये मेटाग्रॉस कुछ केकड़े और मकड़ी की तरह चलते हुए दिख रहे हैं। और ये गार्चम फिर आ जाता है यहाँ नीचे गोल करने, अब तो भाई इस बार नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ भाई हम तीनों बैठे हुए भाई गार्चम को गंदा वाला मारते हैं, मतलब भाई आ कैसे गया गोल करने नीचे। उसके बाद भाई ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है,
और यहाँ सामने वाली टीम के तो कोई घूम नहीं रहते, तो मैंने कहा कि थोड़ा नाच ही लेते हैं। और यहाँ जैसे ही मैंने नाचना स्टार्ट किया भाई, मेरे बाकी टीम मेट भी वही ढींगा लका लका करने लग गए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये भी सही है। माचम बहुत सीरियस खेल रहा था भाई, माचम ने इग्नोर मार दिया हम तीनों को। और यहाँ इनके भाई फटाफट मेटाग्रोस को टपकाने के बाद भाई इनके क्रैमोनेट को भी पेल देते हैं। उसके बाद भाई इनके बाकी पोकेमोन बचे हुए थे जिनके पीछा भाई मैं कर ही रही थी, मैं उर्शिफू को मारने जा रही थी। बहुत दिमाग ख़राब किया इसने यार, इसको मारने का ट्राई कर ही देते हैं एंड ये भाई उर्शिफू तो भग जाते हैं। और मैं भाई जल्दी से फटाफट मिड में आ जाती हूँ, कभी भाई हमारा जो रेकुएजा प्यारा प्यारा वो कोई और ना ले जाए। और तो प्यारे रेकुएजा तो मिल जाता है और यहाँ हम सब निकल जाते हैं भाई गोल करने। और हाँ, ये केकड़ा बड़ा धीरे चल रहा था यार, इस केकड़े को चलाने में बड़ा जोर पड़ रहा था, मतलब एक स्पीड के साथ थोड़ा नॉर्मल स्पीड लग रही थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा था। और यहाँ हम फटाफट गोल कर देते हैं और सामने वाला केकड़ा भी आ जाता है जिस केकड़े को हम मार रहे होते हैं। यहाँ गार्चुम्ब लगा पड़ा है ड्रैगनॉइड पे, हम गार्चुम्ब फिर चिपक जाते हैं। बहुत परेशान किया इस गार्चुम्ब ने, मारो साले को। और यहाँ भाई उर्शिफू भी आ जाता है, इसको भी मार ही रहे होते हैं, बट मैं यही सामने वाले केकड़ों को पेल रही होती हूँ, सोचती हूँ फटाफट इसका किल ले लेती हूँ, पर यार मिलता नहीं है, कोई और ले जाता है यार, इतना डैमेज दिया है, क्या करूँ अब। उसके बाद भाई मैं सोचती हूँ इसे ही मार लेती हूँ, पर ये कुछ ज़्यादा ही बजा रहा था तो मैं भग जाती हूँ, कभी मैं ही ख़त्म हो जाऊँ। अब भाई 30 सेकंड हुए ना लॉबी में बैठूँगी, अच्छा तो ही ना लगता है। और ये भाई मेरे पीछे आ ही रहा था और यहाँ केकड़े को भाई फुल स्पीड में भगाते हुए भाई मैं फटाफट अपने बेस पर आ जाती हूँ। और यहाँ भाई जो ब्लेजिकिन था वो आराम से जो गोल कर रहा था, पकड़ो साले को, कितना घूम रहा है ये रहा। तो भाई हम फटाफट भाई इसको मारने निकल जाते हैं, सारा डैमेज मैंने दिया, देख लो अभी देखना ये साला किल ले जाता है, देखो मेरा गलत हो रहा था यार इससे भाई, लास्ट में किल सिक्योर करने में भाई मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर कोई बात नहीं, चलो डैमेज तो थोड़ा बहुत निकल ही रहा था। और यहाँ उर्शिफू भाई हमारा डैमेज थोड़ा फार्म करवाने आ जाता है और हम साले इसको मार रहे होते हैं, वो अलग बात है, इसका किल किसी को नहीं मिलता क्योंकि मरता नहीं है। और यहाँ भाई जो थी मैं MVP बन जाती हूँ, मेरा 5 किल और 9 असिस्ट होते हैं और साथ ही साथ मेरे 69K का डैमेज निकलता है। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. Bye.